नमस्कार। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का। कल पहले दिन गलती से दूसरा दिन देवी चंद्रघंटा कह गई, माफ़ी चाहती हूँ। इससे पहले देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करें, आइए कुछ संबोधन समझें। देवी, श्रीमती, महोदया, मिस, मिसेस से पहले स्त्रियों का संबोधन देवी ही होता था, जिसका अर्थ जिसमें निस्वार्थ भाव से देने की शक्ति है। देवता यानी निस्वार्थ देने का भाव, दिया यानी अंधकार भगाने वाला। इसीलिए कहते हैं घर का दिया जलता रहे, हम में देने का सामर्थ्य बना रहे। दुर्गा शब्द जिसे मैंने समझा, दुर्ग यानी किला, एक ऐसा दुर्ग जिसे संभालने वाली दुर्गा कहलाती है, जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से लैस तन मन धन से अपने किले की रक्षा करती है। हमारे भीतर की दुर्गा की शक्ति को जागृत करने के लिए आवश्यक है कि हम निर्भयता पूर्वक अंधकार की शक्तियों को चुनौती दें, जिसमें हमारी स्वयं की कमजोरी भी शामिल है, जो हमें नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी और भ्रष्टाचार यानी करप्शन को सहन करने या बहाने की अनुमति दे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने सर्वोच्च धर्म को प्राप्त करते हुए अर्जुन को जागृत करें। दुर्गा यानी दुर्गुणों और कठिनाइयों को हरने वाली देवी माँ या शक्ति के तीन प्रमुख रूप हैं, दुर्गा रक्षा की देवी, धन की देवी लक्ष्मी, शिक्षा की देवी सरस्वती। नवरात्रि के 9 रातों और 10 दिनों के दौरान इन 3 रूपों का आह्वान किया जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा के रूप में देवी को मनाते हैं। दुर्गा की उपस्थिति में नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, वो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देती है। दुर्गा को जया दुर्गा या जीत लेने वाले के रूप में भी जाना जाता है। दुर्गा का संबंध लाल रंग से है, उसे लाल साड़ी पहनने के रूप में दर्शाया गया है, चलती ऊर्जा का प्रतीक है। आप प्रशिक्षित और कुशल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चीज़ों, लोगों और प्रयासों को एक समान चालित करने में सक्षम नहीं हैं, तो परिणाम आने में देर होती है। जब आप मन रूपी दुर्गा से प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप में गतिशीलता लाती है। नव दुर्गा दुर्गा शक्ति के 9 पहलू हैं, जो सभी नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए एक कवच का काम करती है। देवी शक्ति के इन गुणों का जाप करने से आप मानसिक अवरोध दूर करते हैं। इन नामों का जप आपकी चेतना को उन्नत करता है और अधिक केंद्रित, साहसी और रचनाशील बनाता है। ये चिंता, आत्मसंदेह और भय से पीड़ित लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी के रूप में महिष की संहारक है। महिष शब्द का अर्थ है भैंस, जो आलस्य, सुस्ती और जड़ता का प्रतीक है। ये ऐसे गुण हैं जो किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति को बाधित करते हैं। देवी सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और आलस या जड़ता का कोई भी निशान उसकी उपस्थिति में घुल जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी दुर्गा का दूसरा अवतार है ब्रह्मचारी यानी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाली। माँ दिव्य का दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म का क्या अर्थ है? जिसका ना कोई छोर, ना कोई किनारा और ना ही आरंभ, वो जो सर्वव्यापी है और जिसके पार कुछ भी नहीं, ये परम और सर्वव्यापी है। यदि आप अपनी आंखें बंद कर ध्यान करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जब आपकी ऊर्जा चरम पर पहुँचती है, तो वो माँ के साथ एक हो जाती है। ये माँ दैवीय ऊर्जा में भिगो समझा जाती है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, कहीं बाहर नहीं।